शौचालय से लौट रहे एक युवक आमिर को दीपक सिरसाण और शकील खान ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले की शिकायत हिल लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी। मेरा नाम है जरीना खान, मेरे बेटे का नाम है आमिर खान और दीपक सरसठ शकील खान ने हमारे बच्चों को जान के कैसे भी बच के आया मेरा बच्चा भाग के। उसका मोबाइल 30,000 कर रखते है उन लोग। पुलिस वाले को बोली, बोलता है लाके आओ बिल बोकस लेके आओ। मेरे पास 3-4 साल हो गया, घर में तोड़ के बनवाई, मेरा सब खो गया उसी में। 5 नंबर पुलिस चौकी हेडलाइन और ये रोमकला माता मंदिर गणेश भाई के मंदिर के पीछे ये घटना हुआ है। काम पे था मंगलवार को, मंगलवार को मेरा बेटा काम से आया, 7:30 बजे पीछे गया टेकरे के नीचे गणेश भाई के मंदिर के पीछे। उधर मेरा बेटा खड़ा था, शकील खान दीपक सरसठ चाकू लेके पत्रे के पीछे छिपे थे दोनों। दीपक सरसठ पकड़ लिया और चाकू से शकील खान मार दिया। मेरा बेटा खून में लथपथ मेरे पास घर पे आया तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई, इधर पुलिस चौकी में आई। पुलिस वाला में लिखा, इतनी सी पर्ची पुलिस वाला हमको दिया, वही पुलिस चौकी का जो मैं लेके मैं सेंटर में गई तो सेंटर वाला जवाब दे दिया, बोला तुम्हारा बेटा खतरे में है, हम एडमिट नहीं करेगा। सेंटर वाला मेरे को एम्बुलेंस करके दिया, वही एम्बुलेंस ने मेरे बच्चे को सुलाया, केटीकेट का एड्रेस दिया, एम्बुलेंस का पैसा भी नहीं लिया था वो छोड़ा। फिर केटीकेट में मेरा बेटा एडमिट था, 6 दिन के बाद उसका रिचार्ज में कराई, मेरा 1,00,000 रुपया खर्चे में गया है। और उसके बाद संडे के दिन अपने बच्चे को मैं कलवा लेके गई, कलवा से सुमार तलक अभी तक मेरा बेटा कलवा में पड़ा है। हमको इंसाफ चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात।